एटीसी जोधपुर, दिस इज कैप्टन सिंह। हम अभी जैसलमेर एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओवर एंड आउट। जैसलमेर एयर स्पेस, आपकी स्टोरी सुनी है यहाँ की कैप्टन? कौन सी स्टोरी? वही वाली जो इस एयर स्पेस पे फेमस है। अच्छा अच्छा, इस पायलट की? हाँ, लेकिन कैप्टन मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं भी नहीं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो अगर हम दोनों के साथ ऐसा हो तो। चल आता हूँ 2 मिनट लू जाके, फिर बताता हूँ। ओके। हेलो पैसेंजर्स, दिस इज कैप्टन विकास चक्रवर्ती, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड। हम अभी ग्रेट रन ऑफ कच्छ से गुजर रहे हैं। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 28,000 फीट एंड दिस फ्लाइट विल रीच मुंबई एट एन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 70 मिनट्स फ्रॉम नाउ। थैंक यू। ओह गॉड, जब भी इस जैसलमेर के एयरक्राफ्ट में बैठती हूँ मुझे उस एयरफोर्स पायलट के भूत का डर सताने लगता है। अमन शीला, आज के जमाने में भूत कोई मानता है? मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, प्लेन फोबिया मुझे, चक्कर आ रहे हैं। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं सर? मैं थोड़ी देर कहीं लेट सकता हूँ? बिजनेस क्लास में जगह खाली हो तो थोड़ी देर वहाँ जाके आराम कर लूँ। वेरी सॉरी सर, हमारे रूल्स ही अलाउ नहीं करते। वहाँ बिजनेस क्लास में मेरी सीट है, तो अगर ये वहाँ मेरी सीट पर बैठ जाए तब तो आपको आपत्ति नहीं। पर आप सर? मैं उनकी सीट पर बैठ जाऊँगा मेरी टीम के साथ। ओके, कम कम। थैंक यू। Thank you so much. Get well soon. Yeah, thank you. Where is Ali? Oh, he's very poor already. Ah. हम अभी जैसलमेर एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। Something is not right. रिंग
जगह। Yeah, स्प्रिंग। और वैसे इतने खुले मौसम में इतना फॉग। आप ठीक है सरब? Yeah. I can go now? Yeah. Okay. अरे भाई कोई हमसे भी पूछ ले। इतने दिन बाद मिली हो। Hey, नमिता, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो कुछ तो हुआ है, tell me क्या हुआ? सतीश, वो फ्लाइट में वो है, वो नागर। यहाँ मेरे रहते हुए वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, और अगर उसने आंख उठाकर भी देखा ना तो साले को उड़ते प्लेन से उड़ा दूंगा। यही तो प्रॉब्लम है इंडियंस में, अपने कंट्रीमैन को नो वैल्यू। मैं 8 साल से स्काईलाइन एयरलाइन में को-पायलट हूँ, अब तक चीफ नहीं बन पाया। एंड बिकॉज यू आर अ फॉरेनर, एक अंग्रेज तुम्हें कैप्टन बना दिया गया। यहाँ तो बाहर से आया हुआ खदा भी शहर होता है। डोंट माइंड, आई एम नॉट पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू कैप्टन। नो नो, आई डोंट, मगर इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। डू आई हैव अ फॉल्ट? ऑफ कोर्स नॉट, आई वाज जस्ट चिल। वैसे भी दुबई से जैसलमेर की ये फ्लाइट बड़ी टायरिंग है सरप्राइजिंग। नमस्कार, मैं को पायलट रोहम कश्यप अपने चीफ पायलट कैप्टन एल्बर्ट टाइलर के साथ आप सभी पैसेंजर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये फ्लाइट अब जैसलमेर से मुंबई की तरफ रवाना हो रही है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 एंड स्पीड इज 650 किलोमीटर पर आवर। मुंबई पहुँचने का एस्टिमेट टाइम है 11:35 PM, यानी वो किधर है? सॉरी सर, वो कौन? अरे भाई छमिया मेरी, भेजो उसे। तू क्या देख रहा है? जानता है ना हम कौन है? नवशक्ति दल का युवा नेता नचिकेत नागर। चल अपना काम कर। नमिता, वो नागर ना तेरे बारे में पूछ रहा था, बड़ी गंदी लैंग्वेज में। पहली बार आई है फ्लाइट में? की बात कर रहा? ये क्या मैडम, अपुन ये बीमार वाला खाना नहीं मानता। अपुन को ऐसा कुछ ऐसा जान बनाने का खाना मानता, मतलब बोले तो मिसल फिसल होएगा ना। बोले सॉरी सर, वो ब्रेकफास्ट यहां अवेलेबल नहीं है। अपुन तो वही खाता है। ये आत्मा प्लेन प्लेन सब बकवास है। अरे वो वही स्माइल से काम चलाया। सॉरी अरे स्माइल सॉरी सर, बस अपुन ऐसे टाइम पास कर रहा था। अपना टपोरी वाला चॉइस है ना अपने घर पर छोड़ कर आना, ये प्लेन है। वो इसको घर पे छोड़ के आने का खाना बोल कह रहे आपको। ऑटोग्राफ? यस। अच्छा वाओ, ऑटोग्राफ तो स्टार लोग देते हैं।
मैं पहली बार ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। ले। थैंक यू सर। वैसे ना ये प्लेन में बहुत बोर हो रहा है। अच्छा? आप मुझे एक कहानी सुनाइए। हाँ बस बस कहानी। तुझे मैं एक केस में लड़ा था। नहीं सर, मुझे अदालत की कहानी नहीं सुननी, हॉरर वाली। हाँ बस ये सॉलिड रहेगा एकदम। हॉरर वाली कहानी। अच्छा हॉरर वाली कहानी। ये इस फ्लाइट के बारे में एक कहानी है जो मुंबई जैसलमेर वायु मार्ग है। 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में एक हिंदुस्तानी पायलट था जिसने अकेले 20 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया। 20? पूरे 20। डेरिंग है। उसके ही प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसके कारण उसका प्लेन क्रैश हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि आज भी मुंबई जैसलमेर वायु मार्ग में वो पायलट अपने विमान के साथ में दिखता है। सीरियसली सर? अरे बॉस कुछ भी लोग बकवास करते हैं। जो आदमी मर गया है वो वापस कैसे आएगा? अब उनको बोलो बकवास है। बॉस पायलट नहीं दिख सकता, उसकी आत्मा तो दिख सकती है। भूत। आँख बंद करके बैठ जा चुपचाप। प्लेन के विंग पर कोई है। सो दैट्स इम्पॉसिबल, वहां कोई नहीं है सर। नहीं पर मैं सर प्लीज रिलैक्स, वहां कोई नहीं है। हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से आपको वहम हुआ। कम डाउन। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मुझे प्लीज आप एक ब्लैंकेट दे देंगे? श्योर सर, आई विल। सर थैंक यू मैम। प्लीज बी कम। ये सब कुछ मेरा वहम है। सो जाता हूं थोड़ी देर। अब क्या हुआ बे? कोई नहीं है सर। आर यू ओके सर? व्हाट? पागल हो गए हो? कोई आ जाएगा, वैसे भी आज रात में तुम्हारे साथ ही तो रुकने वाली हूँ। जाओ स्वीटहार्ट। जो मजा प्लेन पे रोमांस करने में आता है वो घर में नहीं। अच्छा? और वैसे भी आज बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला है। प्लेन भी खाली और दिल भी। तो क्या है? तेरा फोन ले। मेरा नहीं है सर। तेरा फोन नहीं है? नहीं मेरा फोन तो पॉकेट में। उनका होगा जो बैठे थे। समझ जा देखे आ चाचू का फोन भाई। आप ये सर ये वांट एनीथिंग?
वो चाचा था ना, वो बीमार हो गया, उसका फोन रह गया, तो अपुन ने सोचा कि अपुन लोग ऐसा नहीं, इसमें मैं दे देती हूँ। हाँ थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। मस्त है तुम्हारा फ्लाइट एकदम। अरे कैसे कैसे पागल लोगों को भेज देते हो, बाहर भेजो इसको, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अरे वहाँ एक पायलट है। पायलट? ये लड़की, ये बिजनेस क्लास है, पागल क्लास नहीं है, इसको बाहर भेजो पागल को। अरे पागल नहीं हूँ मैं, मेरी बात का यकीन कीजिए और तमीज से बात कीजिए आप मेरे साथ। अच्छा तू हमें तमीज सिखाएगा? सब सब प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स, अब सर प्लीज अवॉइड प्लीज। अबे देख देख पायलट आया। सर ये आपकी मेरी, सर ये ले लीजिए ऑटो, आप बेटर फील करेंगे सर। और हमारी रात कहाँ है? हमारा इनविटेशन दिया उसे कि नहीं? अरे तमीज से बात कीजिए आप। सर दोनों पैसेंजर्स मेरा दिमाग खा रहे हैं, और यहाँ तुम दोनों, शेम ऑन यू गाइस। क्या हुआ ये बात जाकर अपने उस नागर से पूछो ना। खेल तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ सर? वो पायलट मुझे मार देगा मुझे पायलट। कौन पायलट? अरे पायलट नहीं, पागल है पागल, इस कबूतर को बाहर भेजो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर प्लीज कूल डाउन, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज सर। अपनी नजर नीचे करो और जो छमिया है ना उसको यहाँ भेजो। क्या है ना कि हमारा दिल नहीं रग रहा है, दिल बहलाना। मैंने नहीं मारा, आपने नहीं मारा क्या? चाकू आपके हाथ में, आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा। विमान के बाहर से एक पायलट आया था, उसने 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 मारा ही नहीं। विमान के अंदर होता है, बाहर से आया था मतलब क्या? उस बिजनेस क्लास में सिर्फ दो पैसेंजर्स थे, एक की मौत दूसरे के हाथों। सिंपल क्लोज डोर मिस्ट्री है, एक ने दूसरे को मारा है। सर जो बात सिंपल लगती है वो उतनी सिंपल होती नहीं, यहाँ पे ऐसा ही कुछ है। बॉस बॉस, अरे बॉस तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि वो रोचक सावरकर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या क्यों करेगा, किस कारण से, तो उससे मिलकर ही पूछना पड़ेगा। मिस्टर पाठक प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उसी पायलट ने नचिकेत नागर को मारा है।
देखिए मिस्टर सावरकर, ये जो लोग कहते हैं कि 1971 वॉर में जो पायलट मारे गए थे वहाँ जैसलमेर वाले रूट पर कई लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन ये उनका भ्रम मात्र है, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर है भी तो एक कोई भ्रम किसी की हत्या कैसे कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? पता नहीं मिस्टर पाठक, मैं तो पहली बार आपके मुंह से ये वाकया सुन रहा हूँ। लेकिन वो पायलट जो भी था उसी ने मेरे पास बैठे पॉलिटिशियन को मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर वही बात, अच्छा देखा तो बताइए कैसे मारा? वो कोई इंडियन पायलट था, जब से मैं सीट पर आके बैठा वो खिड़की के बाहर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी अजीब अजीब सी हरकतों को देखकर मैं बहुत डर गया। फ्लाइट अटेंडेंट को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने फाइनली ब्लैंकेट निकाला और उससे अपने सर को ढक लिया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने ब्लैंकेट से सर बाहर निकाला तो मैंने सहमते हुए खिड़की की तरफ देखा। वहां पर किसी की शैडो थी। मैं समझ गया कि कोई प्लेन के अंदर है जिसकी शैडो उस खिड़की पर पड़ रही है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो क्यों कुछ लोग अदालत को सीरियसली लेते ही नहीं। अदालत में होने के बावजूद भी यही समझते कि अदालत नहीं है, कोई नर्सरी है, वो किंडरगार्टन टाइप्स नहीं होता, जैसे कि रोचक सावरकर जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ योर ऑनर क्योंकि इन्होंने जो नमित नागरकर के खून के बारे में जो बयान दिया, जो कहानी सुनाई है, उसे साफ जाहिर होता है कि ही बिलीव्स इन फैंटेसी। जैसे वो माँ नहीं कहती है अपने बच्चे को मुन्ना सो जा वरना रात को राक्षस आएगा बड़े बड़े दांत वाले से नाखून वाला, और बच्चा डर के सो जाता है, उसकी बात मान भी लेता है माँ की। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं मैं सावरकर साहब, आपकी बात कोई नहीं मानेगा क्योंकि ये किंडरगार्टन नहीं है, ये एक अदालत है। आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और कोई यहाँ पे आपको बाइज्जत बरी नहीं करेगा। योर ऑनर, रोचक सावरकर जी ने ही नचिकेत नागर जी का खून किया है, और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास, ये खंजर गवाह है क्योंकि इस पर रोचक जी के उंगलियों के निशान है। और पाठक साहब इस बार ये मत कहिएगा कि कोई और भी तो हो सकता है जो दस्ताने पहनकर आया होगा और इस खंजर का उपयोग किया होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि उस बिजनेस क्लास में रोचक जी और नागर जी के अलावा तो कोई और था ही नहीं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आप भी तो थे ना वहां पे सर। जी योर ऑनर, ये बात सत्य है कि मैं भी उस दिन उसी वायुयान में यात्रा कर रहा था। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि इनकी सीट तो इकोनॉमी में थी, तो फिर नागर साहब की हत्या करने का उद्देश्य भी नहीं था इनके मन में। मैंने इन्हें सीट दी थी बिजनेस क्लास की, फिर अचानक ये नागर साहब को क्यों मारेंगे? इसलिए योर ऑनर, क्योंकि रोचक सावरकर जी जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, और पता नहीं क्यों लेकिन इनके मन में पॉलिटिशियंस के लिए काफी घृणा है, नेगेटिव फीलिंग्स। और मैंने अपना होमवर्क भी किया और होमवर्क करके मैंने पता किया योर ऑनर के कुछ टाइम पहले सौराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है सुधीर शिंदे, उनके खिलाफ बड़ा मुहिम छेड़ा था इन्होंने, और उसके चलते सुधीर शिंदे साहब बहुत ही गुस्सा हो गए थे, जानलेवा हमला भी किए इन पे, बट नसीब अच्छे थे बच गए। लेकिन आज नसीब अच्छे नहीं है सर आपके, क्योंकि मैं हूँ ना यहाँ पे, आई एम जसवाल, बचने नहीं दूंगा मैं आपको। इन्होंने प्रेस में भी कुछ ऐसे बयान दिए थे जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो दीमक होते हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, और अगर ये भी कहा था कि पॉलिटिशियन का बस चले तो वो इंसान को जिंदा खा जाएंगे। इतना गुस्सा है पॉलिटिशियंस के खिलाफ। और 2 नवंबर 2013 जब जैसलमेर से फ्लाइट मुंबई आ रही थी, उस फ्लाइट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिजनेस क्लास में जैसे ही पाठक साहब की सीट पे वो बैठे और पता चला। ए, तू क्या देख रहा है? जानता नहीं हम कौन है? नवशक्ति दल का युवा नेता नचिकेत नागर। पॉलिटिशियन नाम सुनते ही जैसे पता चलता है इनके अंदर का वापस जो एक्टिविस्ट है वो जाग गया, उनको गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने नचिकेत नागर का खून कर। नहीं, मैंने नागर को नहीं मारा है, उस पायलट ने नागर को मारा है।
साइलेंस इन द कोर्ट। फिर से बच्चों वाली बात योर ऑनर, ये क्या विंग के ऊपर पायलट। देखिए मिस्टर सावरकर, आपकी इस पायलट वाली बात को अदालत नहीं मान सकती। मिस्टर पाठक, आपका क्या कहना है इस बारे में? योर ऑनर, मैं समझता हूँ कि मेरे मुवक्किल सावरकर साहब जो बोल रहे हैं, इनकी बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। किंतु इनके अतिरिक्त अन्य और लोग भी हैं जिन्होंने मुंबई से जैसलमेर के हवाई मार्ग पर एक पायलट को अपने फाइटर विमान के साथ देखा है, और उन्होंने जिनमें से दो लोग कैप्टन रविंद्र सिंह और एयर होस्टेस शीला तलवार यहाँ आज इस अदालत में उपस्थित हैं। और आप भी इन अफवाह को हवा दे रहे हैं? आई मीन भूतिया पायलट। नहीं जायसवाल साहब, मैं इस अफवाह को हवा नहीं दे रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पुस्तक श्वेत रंग का है, सफेद है। लेकिन योर ऑनर, अगर जायसवाल साहब इसे काली कहेंगे तो मुझे लगेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति भी इसे काली कहे तो मेरे मन में शंका पैदा होगी योर ऑनर, कि अंततः क्यों इतने लोग इसे काली कह रहे हैं। बस इसी प्रश्न का उत्तर, मेरे शंका का उत्तर, मेरे संदेह का उत्तर मैं उन दोनों व्यक्तियों को बारी बारी कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा। यार आपकी अनुमति हो तो। अनुमति योर ऑनर, 5 साल पहले की बात है, मैं कराची से जैसलमेर के रास्ते मुंबई आ रहा था। सही है शीला जी, आपने क्या देखा था? मैं गैली में रिफ्रेशमेंट्स लोड कर रही थी कि तभी मैंने देखा। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इन्होंने कहा है वो बात सत्य है। मैं केवल इतना पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भ्रम इन्हें हुआ है उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य हो। ये भ्रम योर ऑनर, सॉरी सॉरी, मैं बताऊं ये भ्रम क्या है? आइए पधारिए। शीला जी, ये बताइए कि आपने जो भी अभी कहा, जो आपने देखा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गई थी अपना इलाज करवाने के लिए? अरे ये डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनकी। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है योर ऑनर कि शीला जी को उन दिनों सर में भारी दर्द होता था, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ ले रही थी, और उस दवाई का साइड इफेक्ट था कि जिसकी वजह से इनको हेलुसिनेशंस होते थे, यानी कि अलग अलग वहम वाली चीजें देखना, जैसे कि भूतिया पायलट। Am I right? जी, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मैं कि जिस रात आपने ये देखा, जब दूसरे प्लेन को आपकी प्लेन की ओर आते हुए देखा, उस रात आप लगातार कितने घंटों तक वो प्लेन उड़ा रहे थे? 17 hours। एक्चुअली एक पायलट बीमार हो गया था, इस वजह से मुझे अपनी ड्यूटी एक्सटेंड करनी पड़ी थी। ना कंटिन्यूसली इतने टाइम के लिए फ्लाइट उड़ाना, मतलब मेंटल काफी स्ट्रेस हुआ होगा आपको। योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन वाला काम है तो मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, और उसकी वजह से इनको भी ऐसा असर हुआ होगा मेंटल आपके मेंटल बैलेंस पे। इज इट पॉसिबल? हाँ, लेकिन नहीं, हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है, और ऐसा ही हुआ था, और अक्सर ऐसा होता है। इसकी वजह से आपको वो पुराना प्लेन दिखा होगा, 70s का पायलट दिखा होगा। होता है योर ऑनर, जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, जो रेगिस्तान में जो प्यासा होता है ना, उसको दूर से ऐसा छलावा दिखता है, मिराज। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, आपको वो वहाँ पे आसमान में ऐसा कोई पायलट दिखा हो, फाइटर प्लेन दिखा हो। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज लीडिंग द विटनेस। सस्टेन्ड। आई रीफ्रेम माय सेंटेंस। 17 घंटा लगातार प्लेन उड़ाने के बाद क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई थी कि आपको दूसरा प्लेन नजर आ रहा था आपकी ओर आते हुए? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, हो सकता है, पर थैंक यू, दैट्स इट योर ऑनर। ये तो वही बात हुई ना कि रस्सी को सांप समझ बैठे कैप्टन रविंदर सिंह, एयर होस्टेस शीला और रोचक जी भी। कोई घोस्ट वोस नहीं था जिसने खून किया है, खून इन्होंने किया है योर ऑनर। जसवाल साहब,
चलिए मान लेते हैं आपकी बात की ये हत्या किसी प्रेत ने नहीं किसी मनुष्य ने की है, लेकिन की है तो इसी खंजर से। करेक्ट करेक्ट, इसी खंजर से जो आपके क्लाइंट के हाथ में था। अभी ये किसके हाथ में था ये तो समय ही बताएगा। योर ऑनर, इस स्थल पर मेरा प्रश्न ये है कि विमान और विमान स्थल की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कोई व्यक्ति अगर सुई लेकर भी अंदर जाए तो सुरक्षा में पकड़ा जाता है। फिर मेरे मोखिल ये खंजर जो दिखने में पुरातन है, ये खंजर लेकर के विमान में कैसे प्रवेश करते हैं? यही प्रश्न है कि ये खंजर विमान में आया कैसे, कहां से, कौन लेकर आया? मतलब आपका ये कहना है मिस्टर पाठक कि बाहर से वो पायलट का भूत खंजर लेकर आया और नचिकेत नागर को मारकर चला गया? ये खंजर उसी पायलट का है। योर ऑनर, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं केवल पूछ रहा हूँ कि ये खंजर विमान में आया कहाँ से। योर ऑनर, मुझे पता है खंजर किसका है। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। बताइए कश्यप साहब, किसका खंजर है? सर, मैं कह रहा हूँ ये खंजर उसी पायलट का है। नमिता का। योर ऑनर, दुबई में एक एंटिक शॉप से नमिता ने खंजर खरीदा था, मैं उसके साथ ही था। हाँ, वो खंजर मैंने ही खरीदा था। क्यों 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 खरीदा था, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको उस खंजर की? ऐसे ही मुझे एंटिक चीजें कलेक्ट करने का शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरातन वस्तुओं का भंडार होगा आपका। ये बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि विमानतल पर सुरक्षा कर्मियों ने उस खंजर को पकड़ा नहीं? वो सिक्योरिटी गेट पे काफी रश था तो वहाँ खड़े कांस्टेबल ने मुझे ऐसे ही जाने दिया, बिकॉज आई वॉज अ क्रू मेंबर और वो मुझे पहले से ही जानते थे। अच्छा, चेकिंग हुई ही नहीं, तो आप आरोप लगा रही हैं हमारी सुरक्षा कर्मियों पर। कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं वो खंजर आपके बैग में था और उस बैग के साथ आप विमान में प्रवेश कर गई, कहाँ रखा था आपने? फ्रंट गैली में जहाँ मेरा बैग था। फ्रंट गैली में जहाँ आपका बैग था, अर्थात बिजनेस श्रेणी के आगे। जी। योर ऑनर, इस समय मैं अदालत को ये बताना चाहूँगा कि नमिता चोपड़ा जी स्काईलाइन एयरलाइंस से जुड़ने से पहले नागर साहब की सेक्रेटरी हुआ करती थी, क्या ये बात सत्य है? जी, पर वो बहुत ही गंदे इंसान थे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, वो नागर भी इनके बारे में बड़ी भद्दी भद्दी बातें कह रहा था। भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे वो आपके बारे में, हो सकता है इसी कारण से आप झुलस गई और संभवतः आपने वहाँ गैली में से अपना हैंडबैग निकाला, हैंडबैग में से खंजर निकाला, खंजर हाथ में लिया और घोप दिया नागर साहब की छाती में। नहीं, ये झूठ है, मैं तो मिस्टर सावरकर को बिजनेस क्लास में छोड़ने के बाद वापस वहाँ गई भी नहीं हूँ, क्योंकि सॉरी डिस्टर्ब, वापस बार-बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। नमिता जी, आपने वो प्लेन की विंग पे वो भूतिया पायलट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ, आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो जानता हूँ, बस पाठक साहब मान ले तो केस 10 मिनट में खत्म हो जाए। नहीं, संभावना तो है कि मेरे मुकिल जो समय अस्वस्थ थे उन्हें भ्रम हुआ हो कि आप ही पायलट हैं, क्योंकि आप भी तो यूनिफॉर्म में थी, तो हो सकता है आप ही को उन्होंने पायलट समझ लिया क्योंकि खंजर आप ही के हाथ में था ना? ये झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। सर, मैं कह रहा हूँ ये खंजर उसी पायलट का है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत में एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति? योर ऑनर, ये उसी विमान का नक्शा है, सबसे आगे पायलट की कॉकपिट, उसके बाद प्रवेश प्रस्थान द्वार, उसके बाद बिजनेस क्लास, फिर गैली और फिर इकोनॉमी क्लास। योर ऑनर, बिजनेस क्लास में दो ही व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं और नागर साहब की हत्या करने वाला या तो पीछे से आ सकता था या आगे केवल कॉकपिट या अर्थात फ्लाइट का कैप्टन। सर, मैं कैप्टन अल्बर्ट या
बट क्या आप जैसलमेर से मुंबई की यात्रा में किसी समय भी कॉकपिट छोड़कर वहां बिजनेस क्लास की ओर गए थे? नो, मैं थ्रू आउट कॉकपिट नहीं था। नो नो, तो जब सर्वेक्षण किया गया कॉकपिट का तो पता चला कि 5 मिनट के लिए 10:22 से लेकर 10:27 तक आपने विमान को ऑटो पायलट मोड में रखा था। क्यों रखा था जब आप कॉकपिट से बाहर ही नहीं गए थे? तो नो नो, मैं कॉकपिट के अंदर ही नैप ले रहा था। अच्छा, नैप ले रहे थे आप? सॉरी अगेन, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बात ही ऐसी करी, डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। एक छोटा सा आइडेंटिटी क्राइसिस प्रॉब्लम। बोलो बोलो। आपके जो क्लाइंट है ना, उनको जो पायलट दिख रहा था, वो दिख रहा था, वो तो इंडियन था, देसी। ये भाई साहब तो विदेशी है, फिर क्यों शक कर रहे हैं? हाँ मिस्टर पाठक, ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, तो जसवाल साहब, तो संभव है कि ये ना हो इनके को पायलट। आपको पता ही होगा, दो पायलट होते हैं कॉकपिट में। सोहम कश्यप साहब जो इनके को पायलट थे, हो सकता है कि वो निकल कर बाहर गए हों। क्या सोहम कश्यप साहब कॉकपिट को छोड़कर बाहर गए थे बिजनेस क्लास की ओर? एक्सेप्ट 5 मिनट्स नैप, वो मेरे साथ ही था। अच्छा, मतलब आप 5 मिनट तक तो आपकी आंखें बंद थी, अब निद्रा में थे, तो संभव है कि कश्यप साहब उसी समय गए हों बिजनेस क्लास में और उस इंजर से उन्होंने हत्या की हो, नागर साहब की। पॉसिबिलिटीज देयर। मिस्टर पाठक, मैं थ्रू आउट कॉकपिट में ही था। आई थिंक ही इज राइट। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाता तो मुझे पता जरूर चल जाता। मेरी नींद बहुत हल्की है, जरा भी आवाज होती है तो मैं उठ जाता हूँ। सही कह रहे हैं अल्बर्ट सर, सही कह रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना पाठक सर, वो संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, सोम जी कॉकपिट से बाहर निकले, अगर वो बाहर निकले होते तो उनकी साइड से भी फ्लाइट ऑटो मोड पे होती। और जो सर्वेक्षण किया गया है जैसलमेर से मुंबई तक, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है, और जो सर्वेक्षण है उसको तो मानना ही पड़ेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आप भी मान लीजिए मेरी बात, तिकुनी कोई भूत नहीं है, आपका क्लाइंट है, उसी ने खून किया है। और ऑनर 105 डिग्री का बुखार हो तो कोई नॉर्मल आदमी भी एबनॉर्मल तौर से बिहेव करने लगेगा, और फिर इनको तो ऊंचाई का डर भी था, तो पॉसिबल है हेलुसिनेशन। सर मैं पागल नहीं हूँ, मैं पहली बार प्लेन में नहीं बैठा था और ना ही पहली बार मुझे बुखार हुआ था। सर प्लीज अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक पायलट उस प्लेन के विंग पर था, जो कि पहले अपने फाइटर प्लेन में बैठा था, फिर वो मेरी खिड़की पर आ गया, थोड़ी देर के बाद वो प्लेन के अंदर आया और उसी ने नागर का खून किया है। हाँ, और अंदर जाते जाते आपको हाय बाय ऐसा कुछ बोल के गया कि नहीं? कब से बोल रहा हूँ घंटे से बात कीजिए अपनी। ये अदालत है, कोई नर्सरी नहीं है। जो आपकी कहानी मानी जाएगी यहाँ पे, मान लीजिए आप कि आप मानसिक तौर पे बीमार है। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इनका इनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाए। आई एम वेरी श्योर इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है योर ऑनर, और इसके चलते ही ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर एक बार साबित हो गया योर ऑनर कि इनको मानसिक प्रॉब्लम है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि खून इन्होंने ही किया है और किसी ने नहीं। ये अदालत प्रोसिक्यूटर जायसवाल की बात से सहमत है और पुलिस को यह आदेश देती है कि मिस्टर सावरकर की मेडिकल जांच फौरन कराई जाए और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। बहुत ही स्ट्रेंज केस है सर, वेरी स्ट्रेंज। आई मीन, अचानक एक प्लेन में एक आदमी कहां से आकर कहां गायब हो गया, और अगर ये किसी आदमी का भी खेल है तो वो कौन था? क्या बात है, पहली बार तो करेक्ट बात बोल रही है। अपन बोल रहे हैं जरूर कुछ रोचक का ही काम रहेगा, वो सबको ना येड़ा बना रहा है। अपन को लगता है फ्लाइट में बैठने से पहले उससे कुछ मार के सॉलिड बैठा रहेगा और मंत्री से अपनी खून दास निकाला रहेगा। इतना सरल नहीं है इसमें, कुछ तो हुआ था उस विमान में उस दिन, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं। जो भी वो कौन था, वो मनुष्य था या फिर जैसा वो लोग कहते हैं उस तड़ाकू विमान का पायलट? क्या सोच रहे हो सोहम? सोहम क्या सोच रहे हो? नथिंग। क्या उसी फाइटर पायलट के बारे में? लेट्स गेट रेडी, लेट्स टेक ऑफ।
कैप्टन, फ्लाइट जैसलमेर के अब उसी हिस्से पर है जहां पर उस पैसेंजर को वो पायलट दिखाई दिया था। आई डोंट थिंक कि हमको देखने वाला है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। What's that? Oh shit. ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। कैप्टन, प्लीज डायवर्ट द प्लेन, प्लीज। कैप्टन, डू समथिंग। कैप्टन, ये Captain, do something. We're gonna crash. Control scan nahi kar rahe hain. We are going to crash. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.